दोस्तों, एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाते हैं। कौन मरेगा, कौन जिएगा और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का जवाल शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब ए बरात की हकीकत क्या है, इस रात में अमाल क्यों तब्दील होते हैं और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों के लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो शबे बारात का क्या मतलब है, यानी शबे बारात किसे कहते हैं? तो शब के मानी रात और बारात के मानी बरी होना, क्योंकि मुसलमान इस रात में अल्लाह से अपने सभी छोटे बड़े गुनाहों की माफी मांगते हैं, फिर वह अपने गुनाहों को छोड़ने की बात करते हैं और अल्लाह उन्हें अपनी रहमत के सदके माफ कर देता और हजारों मुसलमान को इस रात में जहन्नम की आग से बचा लिया जाता है, इसीलिए इस रात को शबे बरात कहते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुम जानती हो शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? हजरत आयशा इरशाद फरमाती है, हुजूर आप ही बता दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आइंदा साल जितने पैदा होने वाले होते हैं वे आज की रात में लिख दिए जाते हैं और आइंदा साल जितने लोग मरने वाले होते हैं वह भी इस रात में लिख दिए जाते हैं और इस रात में लोगों के साल भर अमल उठा लिए जाते हैं और इस रात में लोगों का साल भर का रिस्क मुकर्रर किया जाता है और इस रात अल्लाह मलिकू मौत के हाथ में एक फेरिस्त देकर इरशाद फरमाता है कि यह उन लोगों की फेरिस्त है जिनकी इस साल रूह कब्ज करनी है और यह इनका मुकर्रर वक्त है। अल्लाह हम सबकी मगफिरत फरमाए।